जीत फिक्स। एक बहुत ही समझदार और सफल इंसान ने कहा है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें फेल होना 100% तय है। इंसानी दिमाग और शरीर बहुत बड़े काम करने में सक्षम है, उसमें बहुत काबिलियत है। एक ऐसी आग है जिसको अगर वो मेहनत में बदल दे तो दुनिया में एक तूफान ला देगा। वहीं अगर वो इंसान किस्मत के अपने आप बदलने का वेट करता हुआ कोई कदम नहीं उठाता है तो उसके हालात कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने पूरे जी जान से मेहनत कर दी और मेहनत के बदले में अगर उसको कुछ नहीं मिला तो क्या फायदा मेहनत करने का, यानी कि वो रिस्क ही नहीं लेता। जैसा पैदा होता है उसी लेवल में उसकी बूढ़े होकर मौत भी हो जाती है। सोचो अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या हवाई जहाज बनाया जा सकता था, क्योंकि उसको बनाने वाला भी हाथ पर हाथ धर के बैठ सकता था कि यार इस काम में रिस्क है, अगर आसमान से जमीन पर गिर गया तो। सोचो अगर रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था, क्या सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान शासक बना जा सकता था, क्या समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक जाया जा सकता था। शिप बनाने वाला इंसान भी अपने घर पर डर के मारे बैठ सकता था कि अगर नाव बीच समंदर में जाके डूब गई तो। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा अचीवमेंट। अगर तुम घर पे बैठकर ये सोच रहे हो कि रिस्क नहीं लूंगा तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम जिस पंखे के नीचे सो रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता अगर गलती से वो सोते हुए तुम्हारी गर्दन पर गिर गया तो क्या हाल होगा। रिस्क कहां नहीं है, तुम बाइक कितना ही सेफ चला लो, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि दूसरे की गलती की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। अगर तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी रिस्क है, क्योंकि उसके साथ भी कई पॉइजनस केमिकल्स तुम्हारे फेफड़ों तक जा रहे हैं जिनका आज नहीं तो कल असर पड़ेगा ही। तो फिर देर किस बात की, रिस्क तो वैसे भी लाइफ में है ना। इसका दायरा बढ़ाओ, इसका लेवल ऊपर करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा दो और फिर मुझे ब्लेम करो कि जीत फिक्स ने मुझे रिस्क लेने के लिए बोला था, बट इतना याद रखना दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम रिस्क पर ही चल रहे हैं। दुनिया के कितने एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बाइक्स, हॉस्पिटल्स हमेशा रिस्क का सामना करते हैं, लेकिन रुक जाना और रिस्क ना लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अपने लिए एक रिस्क का लेवल तय करके उस पर अपनी मेहनत लुटा देना ही असली सफलता है। याद रखना रिस्क लेने से तुम कुछ खो नहीं दोगे, बल्कि कम से कम तुम्हें सीखने को बहुत बड़ा लेसन मिलेगा और फिर वही लेसन तुम्हारी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा। फिर भी अगर मन ना करे रिस्क लेने का तो याद रखना एक फौजी को और कंपेयर करना अपने रिस्क को एक फौजी के रिस्क से। क्या तुम्हारा रिस्क इतना बड़ा है कि तुम अपनी जान गंवा दोगे? नहीं ना, तो उठो और रिस्क लो, तुम्हारी जीत फिक्स है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस दुनिया में हर कोई सपने देखता है, कोई छोटे सपने देखता है, कोई बड़े सपने देखता है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे बस में ही नहीं है। अगर आप भी उनमें से हैं जो बड़े सपने देखते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। 94.3 MyFM से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था और उसके जो पापा थे वो एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकर थे। बच्चा पापा के साथ कभी कभी जाता था, देखता था कि पापा क्या काम करते हैं। तो पापा जो थे वो बड़ी बड़ी लग्जरी जो कार्स होती हैं उनकी साफ सफाई किया करते थे, गाड़ियों की साफ सफाई करते, इतना बड़ा बंगला, नौकर थे वहाँ पर। बच्चे को लगता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे पापा इन गाड़ियों की सफाई ना करें, इनमें बैठे। एक दिन उनके स्कूल में टीचर ने कहा कि सब बच्चों को अपने सपने पर निबंध लिख करके लाना है। सबने ऐसे लिखा, बच्चे ने भी लिखा अपने ड्रीम पर। अगले दिन पहुंचा, कॉपी सबमिट करवाई। टीचर ने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो हर बच्चे को पास किया, बढ़िया नंबर दिए, इस बच्चे को फेल कर दिया। बच्चे को समझ नहीं आया हुआ क्या, गया टीचर के पास जाकर के कहा कि सर मुझसे क्या खता हुई कि आपने सजा दी। तो टीचर ने कहा कि तुम अपने बस का कुछ लिखते, ऐसा लिखते जो कुछ हो सकता है, तुमने वो चीज लिख दी जो हो ही नहीं सकती। मतलब तुम खुद की हालत देखो, तुम लिख रहे हो तुम्हारे पास कार्स होंगी, लग्जरी कार्स होंगी, इतना बड़ा घर होगा। एक मौका और देता हूं, आज जाओ घर पर, दोबारा से सोचो, कुछ अपने बस का लिख करके लाओ तो मैं पास कर दूंगा। बच्चा गया घर पर, शाम में जाकर के उसने सोचा समझ नहीं आया, रात में सोते सोते सोचा समझ नहीं आया। उसको तो वही सपना चल रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, पापा उन गाड़ियों में बैठेंगे, इतना बड़ा घर हमारा होगा। अगली सुबह बच्चा गया, उसने कहा सर आपको फेल करना है तो आप कर दो, मैं नहीं अपना सपना बदलूंगा, मेरा सपना यही रहेगा। टीचर ने कहा जो मर्जी, फेल कर दिया। बहुत सालों के बाद एक ऑडिटोरियम में एक बंदा अपनी सक्सेस की कहानी सुना रहा था और यही टीचर जब इनकी उम्र ढल चुकी थी नीचे बैठे हुए थे। वो स्पीच खत्म करके आया, इनके पैर छुए और कहा कि सर वही बच्चा हूं जिसको आपने अपना सपना लिखने पर फेल कर दिया था। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल